ये हम पहुंच चुके हैं माता आशा देवी मंदिर की, जहां से शुरुआत होगी। ये देखिए भगवान वाल्मीकि और गुरु रविदास और बाबा बालक नाथ, अन्य कई गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव और भगवान शिव और राधा कृष्ण, गुरु नानक देव जी, विश्वकर्मा जी, राधा कृष्ण, बाबा बालकनाथ जी, हनुमान जी, गणपति जी, गुग्गा जी, गुरु रविदास जी और भगवान वाल्मीकि जी, दरबार माँ आशा देवी। यानी कि ये आशा देवी सभी धर्मों को, सभी धर्मों का रास्ता है। और हम जहाँ खड़े हैं ये हिमाचल में आ गए, आगे हिमाचल टोल है। हमने अभी हिमाचल के अंदर ही हम एंटर हुए हैं, तो यहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है, तो हम यहाँ से ट्रैकिंग शुरू करेंगे। अब हम यहाँ से ट्रैकिंग शुरू करेंगे, पैदल यात्रा है यहाँ से हमारी। देखते हैं यहाँ से रास्ता वैसे, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ भी थोड़ा गंदगी बहुत ज़्यादा लोगों ने फैलाई हुई है। कहते हैं गौ माता, बट उनको घर से निकाल दिया और वो यहाँ पे ऐसे रह रहे हैं। उनका भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए उनको, यहाँ तो घर में रखो, ये विश्राम करने के लिए जगह है। बहुत ही सुंदर जगह है अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। और ट्रैकिंग करने के पर्पस से तो बहुत ही शानदार जगह। पानी की बोतल ले गए। व्यूज देख सकते हैं आप, शानदार अद्भुत नज़ारा, ठंडी हवाएं, फ्रेश वातावरण, बहुत ही सुंदर। आप देख सकते हैं यहाँ घूमने का एक अलग ही मज़ा है। अगर आप जलंधर या हिमाचल के कहीं आसपास जगह रह रहे हैं तो वीकेंड के लिए सबसे अच्छी जगह है। आप देख सकते हैं कि हमने इतने एक्साइटेड थे हम अपनी यात्रा को लेकर कि हमने पानी लेना ही भूल गए हैं। अंधेरा होने वाला है, 4:15 का टाइम हो गया, सर्दियों का टाइम है तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी से जाके वापस आ जाएं और आपको ये रास्ता दिखाएं। बहुत ही अच्छा नज़ारा आप देख सकते हैं। अपने व्यूअर्स को मैं बार बार कहना चाहूँगा कि हमें प्लीज़ मोटिवेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियोस शेयर करें। रास्ता अभी शुरुआती रूप में इतना कठिन नहीं है। तो ये टिंकू भैया थे हमारे, ये काफ़ी देर से आपको आपसे बातें कर रहे थे, अभी तक आप इनकी आवाज़ सुन रहे थे। ये देखो जंगल एरिया है, अभी तक तो हम जा रहे हैं ठीक है, पर यहाँ पे इतने लोग आते नहीं हैं इस रास्ते से। ये थोड़ा जंगल से अंदर है, शायद यही कारण है कि लोग यहाँ से कम और सड़क के रास्ते से ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। बट हम थोड़ा नेचर लवर हैं तो हमने सोचा कि नेचर को पास से देखते हैं, इसी वजह से हमने ये जंगल वाला एरिया चुना है। यहाँ से आपको उतरने में तो कोई समस्या नहीं है, जाते वक्त पता चलेगा, जब रास्ते से जब वापस आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना कठिन ये रास्ता है। हम सारे रास्ते की वीडियो बनाएंगे और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और जो कमियां हो उन कमियों को नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि हम वीडियो को और अच्छी बना सकें और कोशिश करें कि आपको अच्छी अच्छी जानकारी दें। अभी हमारा चैनल थोड़ा नया है तो शायद गलतियां भी हमारी थोड़ी ज़्यादा होंगी, बट हमें आप बताओगे तो हम अच्छी तरह उसको कवर कर लेंगे। और जितनी भी ज़्यादा हो सके आपको यहाँ, अगर आप जालंधर से हो या जालंधर के आसपास जितने भी शहर हैं उनके आसपास से हो, पंजाब से हो, तो जितना हो सके उतने आपको यहाँ की आसपास की अच्छी अच्छी जगह के बारे में बताएंगे।
तो वो सामने नजर आ रहा है मंदिर, वो हमें उस मंदिर के पास पहुंचना है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। हमें टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, हमें वहां तक शायद पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाए और हमें वापस आना। हमारे पास टॉर्च ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रास्ते में आते वक्त के लिए बैठने के लिए थोड़ी थोड़ी ये विश्राम घर बनाए हैं। चारों तरफ जंगल है, चारों ही तरफ जंगल। ये बिट्टू, हमारे बिट्टू भाजी, हमारे सीनियर नेवी रिटायर कैप्टन। ये एक्सपीरियंस होल्डर हम इसलिए लेके आते क्योंकि इन्होंने गोरिल्ला लड़ाई में बहुत सारी महारत हासिल की हुई है। तो जंगल में अगर कुछ ऐसा होता है तो ये हमारे लिए हेल्पफुल हैं। उतरने में तो बड़ा इजी है, जाते वक्त पता चलेगा। ये पक्की सीढ़ियां बनी हुई हैं। इतना सुनसान जंगल है कि हम तीनों के पैरों की आवाज़ और हमारी आवाज़ के अलावा यहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही है। कहते हैं यहाँ जंगली जानवर है, बट चलो अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं नज़र आया। लो अब आपको टिंकू भैया कुछ बताएंगे इस जंगल के बारे में। अभी आप देख सकते हैं कि ये रास्ता तो वैसे अच्छा बनाया हुआ है चढ़ने या उतरने के लिए, और लेकिन यहाँ फिर भी आप ध्यान रखें थोड़ा चढ़ते। और सर्दियों का मौसम और प्यास कम लग रही है, और खाने पीने के हमने भी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया वरना भूख भी लगती है। लेकिन आप हमारे जैसे गलती ना करें, पानी वानी साथ में लेके चलें। खाली बोतल, हमने पानी सारा पी लिया है पहले ही। अब खाली बोतल है, इसको फेंकेंगे नहीं, आते वक्त पानी की जरूरत पड़ेगी, मंदिर से भर के ले आएंगे। लेकिन जगह सचमुच बहुत अच्छी है घूमने के पर्पस से। और ये देख सकते हैं आप, छोटा सा रास्ता है और ये बीच बीच में छोटे हाल्ट बनाए हुए हैं रुकने के लिए। आप यहाँ बैठ के थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं और वीकेंड स्पेंड करने का इससे अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। आप भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं और अपनी यात्रा को एंजॉय भी कर सकते हैं। और कैमरा बनाकर फोटो भी खींच सकते हैं। और वीडियो चलती रहेगी होटल की। चलते ब्रो, साधन में टाइम बहुत कम है। हमारे नेवी जो रिटायर ऑफिसर हैं ये बोल रहे हैं कि चलते रहिए, रुको ना, कि रास्ता थोड़ा अब अंधेरा होने वाला है। आप शायद देख रहे हो कि सूरज की रोशनी लाल हो गई है, हल्की गुलाबी, यानी अंधेरा होने वाला है। जितनी जल्दी कवर कर लेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ये रास्ता बता रहा है कि यहाँ से लोग बहुत कम आते हैं, अकेला बंदा तो नहीं आ सकता। हम वैसे भी तीन लोग आए हैं, हो सके तो ग्रुप्स में आओ। इस रास्ते से आना है तो एक या दो कभी ना आओ। ये वैसे हमारा सजेशन है आपको। पीछे गांव वाले भी बोल रहे थे कि आप रोड के रास्ते से जाइए, इस जंगल के रास्ते से ना जाओ, बट हमने वहाँ से तो हम जा चुके हैं, तो हमने सोचा कि हमें ये रास्ता चुनना चाहिए, ये रास्ता थोड़ा बेटर हमें लगा है। भैया रुको, पाजी बहुत मस्त जगह, लोकेशन बड़ी अच्छी आ रही है, यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत ही सुंदर जगह है ये। और हमारे साथ नेवी से रिटायर्ड अफसर, एक एक्सपीरियंस बंदा साथ में होना जरूरी है, क्योंकि ऐसी जगह अगर आप किसी भी
साथ में सेफ्टी के लिए ये लेके आए हैं, ये सर्वाइवर नाइफ है, कुछ भी हो सकता है, हमें उन्हें जंगल वाले ने बोला तो हम लेके आए साथ में, अदरवाइज हम नहीं लाते, थोड़ा रास्ता सुनसान है तो हमें सेल्फ सेफ्टी तो हमें चाहिए थी ना थोड़ी बहुत, जैसे ऐसा कभी भी करना नहीं चाहिए। अभी जैसा कि जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं हमारे साथ, वो हमें बिल्कुल भी रुकने नहीं दे रहे हैं, और कि ये रेस्ट रूम बना है, ये देखिए एक छोटा सा यहाँ रूम बनाया हुआ है, ये नकोदर वालों ने बनाया, लिखा हुआ है वहाँ पे एरिया। ये देखिए, हालांकि एज में हमसे डबल है नेवी के ऑफिसर जो हैं, लेकिन वो सबसे आगे आगे जा रहे हैं। आर्मी की एक यही पहचान है कि वो कभी भी आपको बूढ़ा नहीं होने देती। अगर इनकी उम्र का पता चले ना आपको तो आप हैरान हो जाओगे, ये 45 प्लस है। और लेकिन जोश जा रहे हैं हमें, बोलिए भैया जोश, अभी 50 के आसपास इनकी एज है, लेकिन इनकी जो जोश है वो आज भी 20-25 साल के लड़के में जितना जोश होता है वो जोश है इनके अंदर। थोड़ा इधर दिखाइए, हम गाड़ी कहाँ खड़ी करके हैं। ये देखिए, वो जो ऊपर आपको हट नजर आ रहे हैं ना, वो सामने दिखाई दे रहा है, ये वहाँ हमारी, वहाँ गाड़ी खड़ी है हमारी, कार पार्क है। ये देखिए इधर, यहाँ का नजारा बड़ा अच्छा है, व्यूज इतने सुंदर हैं यहाँ पर, हमें बहुत मजा आ रहा है। पर कभी भी यहाँ अकेले आने की गलती ना करें, अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी आ रहे हैं, लेडीज हैं साथ में, तो जेंट्स होना बहुत जरूरी है यहाँ, कम से कम 4-5 जेंट्स होने चाहिए साथ में, किसी तरह का रिस्क ना लें यहाँ। लेकिन जगह सच में अगर आप यहाँ आते हैं तो बहुत ही सुंदर जगह है। और ये दिसंबर का महीना है, थोड़ा यहाँ पे पतझड़ भी बहुत हो रखी है, पर फिर भी मौसम बहुत अच्छा है, अभी धूप खुली है तो मज़ा आ रहा है हमें चलने में। अभी तो सर्दी का टाइम है तो बिना पानी के हमारा काम चल रहा है, लेकिन अभी हम उतर रहे हैं इसलिए हमारा काम चल रहा है, लेकिन जब हम वापस आएंगे इस रास्ते से तो हमें अपनी गलती का एहसास होगा कि हमने पानी क्यों नहीं लिया सर। वो देखिए, फौजी अफसर आगे, सबसे आगे, वो हमें बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि रुकना नहीं है, क्योंकि टाइम की कमी है, और अगर हमें यहाँ अंधेरा हो गया तो कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है हमारे साथ। ये देखिए, एक छोटा सा पुल, बहुत ही शानदार, और अगर आप शौकीन हैं फोटोग्राफी के तो फोटोग्राफी भी करते रहो साथ में, हम भी करेंगे। हमारे टिंकू सर, हम इनके निकनेम से इनको बुलाएंगे, वैसे तो विनीत नाहर इनका नाम है, बेसिकली ये मेरठ से हैं और अब हमारे यहाँ पंजाब जलंधर में ही आ चुके हैं, तो यहीं रहेंगे। तो इन्होंने फैसला किया कि अब जितनी भी हम नई नई जगह जाएंगे तो ये हमारे साथ जाएंगे, और जितने भी ब्लॉग हमारे बनेंगे ये हमारे साथ होंगे उनमें, तो आपको इन्हीं की ज़्यादा आवाज़ सुनने को मिलेगी। ये बड़े अच्छे बोलते हैं, हिंदी बहुत अच्छी है इनकी, बड़ी मीठी है, तो बट हमें इतनी हिंदी नहीं है, हम थोड़ा पंजाबी हैं तो हमारे मुँह से पंजाबी निकल ही जाती है। जंगल देखो चारों तरफ, क्या है नज़ारा है यार, बड़ा खूबसूरत है। यहाँ थोड़ा सिकलन है इस रास्ते पे, तो थोड़ा ध्यान से। हाँ, ये देखो, ये सर्दी की वजह से यहाँ काई जमी है तो फिसलन हो सकती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर ट्रैक कर रहे हो तो ट्रैकिंग शूज़ ही पहनो, जैसा कि हमारे वो नेवी ऑफिसर ने पहने हैं, बट हमने स्पोर्ट्स शू पहन लिए, बट हमारे शूज़ की ग्रिप अच्छा है तो चलो हम चल रहे हैं। बट आप अगर ऐसी फिसलन हो, बरसात हो, तो ये तो पूरा रास्ता स्लिपी है। ये देखिए, थोड़ा बहुत काई जमी हुई है, थोड़ा स्लिपी एरिया है सारा। और अगर आपके साथ कोई लेडीज हैं तो गलती से भी वो हील शूज ना पहने भैया। लो
ये देखिए क्या जबरदस्त व्यू है, एक पेड़ टूट के गिरा हुआ है। रुको रुको रुको, थोड़ा पास से लूँ। गालियां दे रहे हैं, रुको मत। और ये कशन वगैरह ना करो, ये देखो लैंड लेनी हुई है, रास्ता बंद हो गया है। ये देखिए, यहाँ एक दो दिन पहले बारिश हुई है, पूरा एक डरावना सा एरिया लग रहा है, बट हमें बहुत मजा आ रहा है। चाहे जाते हैं हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं, जितना कवर हो सके उतना बैठ रहा है। ये देख सकते हैं सारा जंगल का एरिया है। अगर आप ये रास्ता अपनाते हैं जाने के लिए तो अपने पास कोई शार्प चीज जरूर रखें। मुझे लगता है मुझे हाथ में निकाल के रख लेना चाहिए ना। अभी तो हम जैसा कि तीन हैं और आर्मी अफसर हमारे साथ है, तो हमें डर की माहिर है, तो हमें इतना भैया ये गरीला लड़ाई में बहुत ज्यादा माहिर है, तो हमें सामना करो इतना डर की जरूरत नहीं है डरने की। सबसे बड़ी बात ये आर्मी से रिटायर्ड हैं और इतना इन्हें एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी कभी इन्होंने इस बात का कभी घमंड नहीं किया है और शो भी नहीं करते हैं इस चीज़ को कभी भी। जब हम जैसों के बीच में ही रहते हैं या किसी के साथ बैठते उठते हैं तो इवन ये कभी जिक्र भी नहीं करते इस बात का, ना कभी शो करते हैं इस चीज़ को, लेकिन इनका एक्सपीरियंस ही सामने वाले को मजबूर कर देता है सोचने के बारे में कि ज़रूर ये आर्मी से रिटायर्ड हैं या आर्मी से बिलोंग करते हैं। बहुत ही सुंदर रास्ता है ये देखिए कितने शार्प टर्न है। लड्डू भाई मजा आ गया। अब हम मंदिर के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं, सामने हमें मंदिर नजर आ रहा है। ये देखो सामने हमें मंदिर नजर आ रहा है, ये देखिए सामने मंदिर। तो ये उसका गेट है, जो मंदिर का गेट है, नीचे नदी है छोटी सी, पर अभी नहीं बारिश में उसमें पानी होता है। ये नदी का रास्ता ही है अभी तो, शायद तो मिलते हैं। चलिए अब जितना हमने चढ़ाई उतरनी थी हम उतर चुके हैं, अब वापस से चढ़ाई शुरू हो रही है थोड़ी सी किलोमीटर की। ये नदियों के रास्ते हैं, छोटे छोटे नाले मिलके ही बड़ी नदी बनती है। ये देखो रेत आ रही है, बारिश में यहाँ पानी आता है जमा रखा। ये देखो ये रही नदी जिस नदी की बात कर रहे थे हम, ये तो नदी नाला है यहाँ बड़ा ही। बारिश के टाइम में बहुत ही अभी भी पानी आ रहा है, शायद ऊपर पहाड़ों में थोड़ी बहुत तो बारिश हो ही रही है। ये देखिए ये सारा नदी का ही रास्ता है, ये देखिए ये रेत, ये सारा रेत इकट्ठा हो रखा है, यहीं से पानी होकर इस नदी में छोटी सी जो नहर है उसमें जाता है। ये चढ़ाई शुरू हो गई है, अब हमारी आवाजें भी चेंज होंगी, साथ साथ में सांस चढ़ेगा हमें। ये कुआं है बना हुआ है भैया, बहुत ही गहरा कुआं है। यहाँ पे झूले लाल यानी ख्वाजा जी की जगह बनी है, ये पानी के लिए बना हुआ अकेला। हमारे नेवी ऑफिसर बोल रहे हैं कि चलते रहो, हमारे इंस्ट्रक्टर जो है वो हमें रुकने नहीं दे रहा बिल्कुल भी। और ऐसा इंस्ट्रक्टर साथ में होना जरूरी है, क्योंकि आप एंजॉयमेंट में कभी कभी क्या करते हैं कुछ गलत फैसले, समय को नज़रअंदाज कर देते हैं, और समय की अहमियत बहुत जरूरी है ऐसी जगह में।
क्योंकि अगर आपको समय ज़्यादा यहाँ लग गया या अंधेरा हो गया तो जो बेसिक ज़रूरतें हैं या ज़रूरी सामान है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो हम पहुँच चुके हैं, ये मंदिर पास में है, ये बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं मंदिर के। ये देखिए सामने मंदिर, और अभी तो हमने सिर्फ, और सूरज ऑलमोस्ट डूब चुका है, और आधे घंटे में शायद अंधेरा हो जाए, तो मैं अंधेरे से पहले पहले वापस से गाड़ी तक पहुँचना है, इस वजह से हम थोड़ी जल्दी जल्दी कवरिंग करेंगे, इसके लिए माफ़ी देना। अब हल्की सी चढ़ाई है और इसी में हमारे, तो बाकी मंदिर में पहुंच के हम मंदिर के गेट तक तो हम आपको बताएंगे, पहुंच कर लो। ये मंदिर की सीढ़ियां यहां से स्टार्ट हैं और सीढ़ियां भी काफ़ी हैं। इधर से ही चलना है, गेट भी है ना यहां पे मेन, आगे गेट भी है, आप चाहें तो सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। और ये एक रास्ता है, ये हमने ट्रैकिंग वाला रास्ता चुना था इसलिए हम बैक साइड से आए हैं, हालांकि इसका जो मेन गेट है वो दूसरा है। यहाँ भेड़ियों की आवाज़ सुनी जा सकती है, तो इसलिए अंधेरा होने से पहले पहले आप यहाँ से निकलें। अगर इनकेस आपको यहाँ अंधेरा हो भी जाता है तो कोशिश करें कि आप रात को यहीं स्टे कर लें, जंगल में ना जाएं। भेड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है यहाँ, ये मंदिर का प्रवेश द्वार, श्रद्धालु हमारे आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन समय हमारा साथ नहीं दे रहा है। ये देखिए साफ सफाई अच्छी है यहाँ पर, आशा देवी भवन, मंगुआल जिला, होशियारपुर। पानी हमें यहाँ से मिल जाएगा अब, जो हम लाना भूल गए थे। अभी हम इस रास्ते से आए हैं, ये बैक साइड से आए हैं, जबकि इसका फ्रंट रास्ता ये है। ये देखिए कितना सुंदर पेड़, ये और भी श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं माता के दर्शन के लिए। ये जो रास्ता है बाइकर्स के लिए है, अगर आप बाइक से आते हैं तो सीधा आप यहाँ बाइक अपनी पार्क कर सकते हैं और माता के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हम आपको एक दूसरा पहलू भी दिखाना चाहते थे इस मंदिर का, इसलिए हम ट्रैकिंग वाले रास्ते से आए हैं, ताकि अगर आप इस यात्रा को ज़्यादा मेमोरेबल और इन्जॉयमेंट करना चाहते हैं तो आप ट्रैकिंग वाले रास्ते से आ सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर पेड़ है यहाँ, दोबारा बोलो, दर्शन के लिए आइए। आ चुके हैं हम मंदिर में दर्शन के लिए, बड़ा ही अच्छा हाल बन चुका है, सुंदर नजारा।
ये प्रवेश द्वार है, आशा देवी का प्रवेश द्वार। लो ये बनाओ। आप देख सकते हैं कि लोगों में श्रद्धा इतनी ज़्यादा है कि इतनी ठंड के बावजूद भी श्रद्धालुओं की यहाँ लाइन लगी हुई है। देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और यही पर्पज़ है हमारा आपको इस। ये देखिए जिन लोगों ने यहाँ दान दिया हुआ है मंदिर के निर्माण में, उनके नाम यहाँ शिलाओं पे लिखे गए हैं। यदि आप किसी वजह से सक्षम नहीं हैं यहाँ तक आने के, तो आप हमारे वीडियोस से माता आशा देवी के दर्शन कर सकते हैं। हमारे नेवी अफसर लाइन में लगे हुए हैं दर्शन के लिए और ये श्रद्धालु आ चुके हैं माता आशा देवी के दरबार में और पंडित जी हमारे साथ हैं। तो पंडित जी से मैं पूछना चाहूँगा कि इस मंदिर की मान्यता के बारे में और इसके कुछ इतिहास पे अगर आप रोशनी डाल पाए तो। पहले तो तीन पिंडी हैं, ये तीन पिंडी के सेंटर में बीच में जो है आशा माता की पिंडी है, पिंडी स्वरूप है, बीच माता का स्वरूप बना शेरावाली का, वो गणेश हनुमान जी है, ये गणेश जी है, तीनों पिंडी ना सिंभू है, यही प्रकट हुई थी। अच्छा, तो ये माता की मूर्ति है, ये ऐतिहासिक है, मतलब सिंभू प्रगट पिंडी है, पहले आज से कई 1500 साल पुराना मंदिर है, पहले कोई आता नहीं था, ऐसी मान्यता थी कि शेर यहाँ आता है, जंगल बहुत था, जानवर बड़े बड़े जानवर थे, तो कोई आता नहीं था, अगर किसी ने आना तो साथ में मंगूवाल है पंजाब बैरियल बॉर्डर, ये लास्ट हिमाचल का, वहाँ रात रहना, एक गांव है नारी, वहाँ से किसी को ना साथ लेके मत्था टेक के तो साथ में वापस चले जाना, ऐसी मान्यता थी उस टाइम कि यहाँ जंगल था तो शेर रहता है, शेर माता के लिए मत्था टेकने आते थे, तो लोग डर के मारे नहीं आते थे। ये तीनों पिंडी है, छोटा सा मंदिर पहले से ही है, आज से मतलब 1000-2500 पहले समझ लो, क्योंकि यहाँ जो गांव के बुजुर्ग हैं सियाने हैं 80-80 साल की उम्र है, तो कहते हैं कि हमारे पिताजी थे जब हम यहाँ घास लेने आते थे, बोर्ड का पेड़ लगा हुआ है बरगद का पेड़ होता है, उसके नीचे घड़ा होता था, पानी पी लेना, यहाँ मत्था टहने कोई आता नहीं था, कदुक्का आते थे, फिर कोई संगत आने लग गई नकोदर की, वहाँ मत्था टहका, जब से फिर उन्होंने आशा देवी नाम रखा, जब से लोग ही आने जाने लग गए, संडे को लोग ही ज्यादा नहाते, बाकी पहले रास्ता पौड़ियों वाला था जो हिमाचल से निकलता था, अब रास्ता थोड़ा गाड़ी का बन गया, कार मोटरसाइकिल वगैरह तक मंदिर तक पहुंच जाती है, और इसका के तीनों पिंडी ऐतिहासिक है। जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया कि यहाँ एक मान्यता थी कि यहाँ एक रात को शेर आता था माता रानी के दर्शन के लिए, और जैसा कि पता है आपको कि ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, यातायात के साधन बढ़ते जा रहे हैं, जंगल दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, तो वो थोड़ा एक जो मान्यता है वहाँ कहीं ना कहीं जो वो शेर जो यहाँ आता था दर्शन के लिए वो अब श्रद्धालुओं को नहीं दिखाई देता। और ये पंडित जी ने बताया कि बीच ये जो तीन मूर्तियाँ हैं ये साक्षात प्रकट हुई हैं यहाँ पर, बीच में माँ आशा देवी और उल्टे हाथ पर भगवान हनुमान जी और सीधे हाथ पर
भगवान गणेश की प्रतिमाएं यहाँ स्थापित हैं जो कि साक्षात प्रकट हुई हैं यहाँ पर। और बहुत ही मान्यता है, शुरुआत में कम लोग आते थे लेकिन अब धीरे धीरे जैसे इस मंदिर के बारे में लोगों को पता चल रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है। आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ दर्शन के लिए आएंगे, क्योंकि यहाँ की जो मान्यता वो यह है कि जो भी यहाँ मान्यता मांगी जाती है वो मान्यता जरूर पूरी होती है। रात को नीचे से आता है, ऊपर को निकल जाता है। अच्छा, वहाँ से चढ़ेगा यहाँ से निकल जाए जब मर्जी। तो हमें पंडित जी ने बताया कि बाघ तो अभी भी आ रहे हैं यहाँ पे, बट वो रात को आते हैं। तो आपको एक बार मंदिर के चारों तरफ इसकी जो परिक्रमा बनी हुई है वो दिखा देते हैं। तो आज ही ये मंदिर है काली माँ का, फिलहाल शायद बंद है तो हमें यहीं से निकल के जाना पड़ेगा ऐसे। तो आ जाइए, कहाँ? अच्छा सॉरी, तो इस तरफ है। तो ये काली माँ का मंदिर है और इसी के साथ ये भैरव जी की, भैरव जी ये देखिए, ये जैसा कि यहाँ की मान्यता है कि यहाँ मंदिर में बाघ आते हैं दर्शन करने के लिए, तो उसी की वजह से ये माता रानी का शेर यहाँ स्थापित किया गया है। और ये बरगद का पेड़ बहुत ही प्राचीन पेड़ है। जैसे कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ जो मंदिर की स्थापना है वो नपोदर के श्रद्धालुओं ने की है, तो शायद यही वो बरगद था जहाँ बोलते हैं कि शेर आता था, जो बाघ था वो आता था, वो मंदिर में दर्शन करके चला जाता था। बाकी आपको पंडित जी ने सारी कहानी सुनाई। हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है और अब हम यहाँ से जहाँ हमने गाड़ी अपनी पार्क की है वहाँ की तरफ रवाना करेंगे। अगर रास्ते में कोई ऐसी आपको दिखाने वाली चीज़ से या कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ या हमें लगा कि कोई ऐसी जगह है जिसके बारे में आपको हमें बताना चाहिए तो उसकी वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। और तो ये थी हमारी माता आशा देवी मंदिर की यात्रा, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। और सूरज भी अब छिपने की ओर है, इस वजह से हमें थोड़ा जल्दी अपना यात्रा का समापन करना होगा। और अगर कोई रास्ते में कोई अच्छी चीज़ मिली हमें तो उसकी वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद। ये हमने अपनी वापस की यात्रा लगभग आधी कंप्लीट कर ली है। और फोन बंद हो गया था, हमारा कैमरे की बैटरी लो हो गई थी, हमने दूसरे फोन में ये बना रहे हैं, तो जो वापसी की थी वीडियो वो पूरी नहीं बना सके। बाकी आपको ये भैया बताएंगे सब कुछ। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा अंधेरा तो नहीं हुआ हमें, क्योंकि हमें एक फायदा हुआ कि जो आर्मी पर्सन हमारे साथ हैं वो आगे हैं अभी भी। वो ये देखिए, आप हमें दिखा सकते हैं, हम आपको वो देखिए, वो आगे जा रहे हैं। उनको लाने का ये फायदा हुआ कि हमने समय से पहले अपनी यात्रा कंप्लीट कर लिया। समय के इतने वो पंक्चुअल हैं कि उन्होंने टाइम से पहले हमें अपनी यात्रा कंप्लीट करवा दी है हमारी। इसलिए आप किसी ऐसे एक्सपीरियंस
बंदे को हमेशा अपने साथ रखें। हमारी ये सूरज के रहते रहते, रोशनी के रहते रहते, जितनी भी यात्रा अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इनकी वजह से, इन्होंने हमें बहुत गाइड किया है, ऐसे अच्छे बंदे को साथ में लेके आए। अगर आप की टीम में कोई भी एक्सपीरियंस बंदा नहीं है तो आपकी यात्रा थोड़ा डिफिकल्ट हो सकती है, इसलिए अनुभव का होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने आर्मी के दौरान कई ऐसी जो मिशन है उन्हें कंप्लीट किया, उनमें पार्टिसिपेट किया है, इसलिए इन्हें ऐसे संकीर्ण रास्तों पर चलने का एक्सपीरियंस है। ऐसी जगहों पे सरवाइव कैसे किया जाता है वो इन्हें अच्छा एक्सपीरियंस है। तो लगभग हम अपनी यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं। आगे आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दें, और कमेंट्स में प्लीज़ हमें बताएं कि कहाँ हमारी कमियाँ रही हैं और आप क्या चाहते हैं हमारी वीडियो में देखना, ताकि हम अपने वीडियोस को और इम्प्रूव करें। आप देख सकते हैं कि इस टाइम हमें सीढ़ियाँ चढ़ के पूरी चढ़ाई हमने लगभग कंप्लीट कर दी है, और सांसें अब साथ छोड़ रही हैं। ये देखिए अभी काफ़ी ऊंचाई बाकी है। तो अब आप सब लोगों से हम अलविदा लेते हैं, सभी दोस्तों से हम अलविदा लेते हैं, और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई अपनी वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, बाय।